जब खास्ता नमकीन समोसा बनाना हो तो ये तरीका जरूर अपनाना, क्योंकि मैं अपने दुकान में सबसे आसान और इजी तरीके से समोसा बनाने वाला हूँ। अगर आप लोग भी समोसा बनाना सीखना चाहते हैं तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी को दबाएं। तो देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज, ऑलमोस्ट कुकिंग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, समोसा बनाने के लिए 15 से 20 केजी के बीच आलू बॉइल कर लिया है। आलू को बॉइल करने के बाद अच्छे तरीके से इसको छील देना है। तो सारे आलू को मैंने छील दिया। छीलने के बाद करना क्या है, समोसा का मसाला बनाने के लिए अदरक और हरी मिर्च की जरूरत पड़ती है। तो दोनों को अच्छी तरीके से मिक्सी या फिर ओखला के द्वारा अच्छी तरीके से पिस्ता के रूप में तैयार कर लें। तो ये देखिए किस प्रकार से अदरक और हरी मिर्च का चूर्ण तैयार कर लिया है। समोसा का मसाला तैयार करने के लिए मैंने एक कढ़ाई लिया हूँ और उसमें लगभग 250 ग्राम रिफाइंड ऑयल मैंने डाल दिया है। चाहे तो आप इसके जगह पर कड़वा तेल या फिर घी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें 5 फोरन डाल दिया हूँ। चाहे तो आप इसके जगह पर जीरा का यूज कर सकते हैं। तो ये रहा कच्चा बादाम, जो कि समोसा का मसाला में डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप चाहे तो इसके जगह पर हरा मटर आप यूज कर सकते हैं। इसको लो फ्लेम पर तब तक ये पकता है, तब तक मसाले दिखा देता हूँ। ये रहा मेरा नमक और ये है हल्दी पाउडर और ये है लाल मिर्च पाउडर। अब करना क्या, ये है गरम मसाला। अब करना क्या है कि सारे को बारी बारी से इसमें डालना है। तो ये रहा मेरा बादाम जो है पक चुका है। तो इसमें क्या करना है, अदरक और हरा मिर्च का पेस्ट जो मैंने तैयार किया था उसको मैंने इसमें डाल दिया हूँ। तो आपको भी इसी प्रकार से डाल देना है। करना क्या है, इसको अच्छे तरीके से पकाना है लगभग 1 से 2 मिनट तक। 1 से 2 मिनट तक पकाने के बाद इसमें 10 से 12 चम्मच मैंने नमक डाल रहा हूँ। आप अपने आलू के हिसाब से नमक को डालें। 15 से 20 केजी के बीच आलू है तो मैंने इसमें 10 से 12 चम्मच नमक डाल दिया हूँ। 4 चम्मच हल्दी पाउडर डाला हूँ और इसमें 10 से 12 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डालूँगा। तो ये मैंने 12 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। अब करना क्या है, इसको अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट या फिर 5 मिनट तक इसको लो फ्लेम पर भूनते रहना है। मसाला जले ना ध्यान रहे। अब करना क्या है, इसमें गरम मसाला का पैकेट मैंने डाल रहा हूँ। चाहे तो आप सब्जी मसाला का भी यूज कर सकते हैं। आप अपने टेस्ट के अनुसार से मसाला, इसमें कोई भी सा मसाला आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो मैंने गरम मसाला का यूज किया। इतना ही मसाला से मैं बहुत ही टेस्टीदार समोसा अपनी दुकान में बना लेता हूँ। तो थोड़ा सा और रिफाइंड ऑयल मैंने इसमें डाला। तो ये रहा मेरा मसाला जो कि मैंने भूंज करके तैयार कर लिया। तो अब करना क्या है, इसमें मैं आलू डाल देता हूँ। आलू डाल देने से अच्छे तरीके से समोसा का मसाला बनाऊंगा। और ये देखिए किस प्रकार से झंझरा के माध्यम से या फिर लोटा के माध्यम से मैं आलू को पिस्ता के रूप में तैयार कर दूंगा। तो आपको भी आलू से चोखा के रूप में तैयार कर लेना है। बहुत ही स्वादिष्ट मैं समोसा बनाता हूँ अपना दुकान में। अब ये देखिए मैं समोसा का आलू चूरना शुरू कर दिया हूँ। अब ये देखिए मैंने पेस्ट के रूप में तैयार कर लिया। तो ये देखिए किस प्रकार से मैंने समोसा का मसाला मैंने तैयार कर लिया हूँ। तो आपको भी इसी प्रकार से टेस्टी के अनुसार से आप अपने अनुसार से समोसा का मसाला तैयार कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा दुकान का समोसा का मसाला, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टीदार और मज़ेदार है। खाने में तो पूरा मज़ा आता है। तो ये देखिए मैंने समोसा का मसाला तैयार कर लिया। अब करना क्या है कि समोसा बनाने के लिए मैदा का ज़रूरत पड़ता है। तो 10 से 12 केजी के बीच मैदा है, जिसमें 1 केजी मैदा में 150 ग्राम रिफाइंड ऑयल का यूज करें। उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक डालें और जमाइन मंगरेला डालें, जिससे स्वाद आता है और खास्ता होता है और मज़ा तो कहना ही नहीं। तो ये रहा मैदा सानने का तरीका। रिफाइंड ऑयल मैंने इसमें डालडा ऑयल से सान रहा हूँ मैदा को। गरम ऑयल है इसलिए मैंने बेलना से चला लेता हूँ पहले, उसके बाद सानना शुरू करता हूँ।
ये देखिए किस प्रकार से मैं मैदा को सानना शुरू कर दिया। ध्यान रहे कि मैदा को ज़्यादा गिल्ला नहीं सानना है, टाइट सानना है, टाइट, ज़्यादा टाइट भी नहीं, मीडियम से थोड़ा हार्ड सानना है। इससे क्या होता है कि समोसा का समोसा बनाने में समोसा सटता नहीं है। तो देखिए किस प्रकार से मैंने मैदा को हार्ड के रूप में सान दिया हूँ, ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल है। तो ये देखिए किस प्रकार से मैंने सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़े में लोइया काटना शुरू कर दिया। तो ये देखिए अपने साइज के अनुसार से लोइया काटें। तो देखिए हमें किस प्रकार से मैंने समोसा बनाने का तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और एक बार में ही सीख जाएं। तो देखिए किस प्रकार से मैंने थोड़ा सा मैदा लगाया और बेलना, धीरे धीरे बेलना है और लंबा बेलना है, गोल नहीं, रोटी जैसा नहीं। रोटी जो बनाते हैं ना वो गोल होता है और समोसा जो बनता है वो लंबा होता है। तो लंबा खींच करके बेल देना है, ये देखिए जैसे मैं बेल रहा हूँ। उसके बाद बीच से चाकू के द्वारा काट देना है। तो देखिए किस प्रकार से मैंने समोसा को बना रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने दूसरा भी लोइया ले लिया और इसको भी गोलियाना शुरू कर दिया। तो ये देखिए किस प्रकार से मैं बेल रहा हूँ, आपको भी इसी प्रकार से करना है और अच्छा अच्छी तरीके से देखना, एक बार में ही सीख जाइएगा। तो ये देखिए किस प्रकार से मैंने बेल दिया। बेलने के बाद करना क्या है, समोसा भरने में परेशानी होता है, बेल तो हर कोई लेता है। तो ये देखिए समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हाथ में पट्टी को लेना है और एक बार इधर से और एक बार इधर से रख करके चाप देना है और हाथ के माध्यम से उठाना है। और हाथ देखिए कैसे रखता हूँ, ये देखिए इसमें मैंने डालते हैं। अब इसमें करना क्या है, इसमें थोड़ा सा चोखा डालें या फिर ज़्यादा भी डाल सकते हैं। उधर से इधर लाना है पट्टी को और इधर से उधर करना है और हाथ से चाप देना है। पर समोसा बन ही गया है, बहुत ही सिंपल है। फिर से एक बार देखते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले वाटर लगाएं, उसके बाद उधर से हाथ, ये रहा मेरा तरीका जो कि बहुत ही फास्ट बनाता हूँ। तो आपको भी बना, ये तरीका बहुत हार्ड लगा होगा, तो अगला तरीका सीखते हैं। तो सबसे पहले वाटर को लगा लेना है, एक बार इधर से पट्टी को लेना है, एक बार इधर से लेना है और हाथ को बीच से डाल देना है और इस प्रकार से घुमा करके हाथ में घुसा देना है। और तो घुसाने के बाद करना क्या है कि इसमें थोड़ा सा चोखा वाला मसाला डालते हैं और मसाला डाल देने के बाद ऊपर वाटर लगाते हैं, पानी डालते हैं और उधर से इपटी करते हैं, इधर से उधर करते हैं और हाथ से चाप देते हैं। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ऐसा करते हूँ आप सीख गए होंगे। तो देखिए किस प्रकार से मैंने एक बार इधर से लिया, एक बार उधर से लिया और हाथ से अंदर घुसा करके इस प्रकार से उलट दिया। मैं ऐसा करता हूँ कि आप समोसा बनाना सीख गए होंगे। नहीं बन रहा है ना, प्रैक्टिस कीजिए, 2 से 3 बार बनाइए, खराब होगा पर फिर बन जाएगा। अब करना क्या है, रिफाइंड ऑयल में समोसा छानूंगा। तो रिफाइंड ऑयल है जो नॉर्मल गर्म होना चाहिए और लो फ्लेम पर सबसे पहले डालें। ज़्यादा गर्म अगर जो रिफाइंड रहेगा तो समोसा जो है अच्छी तरीके से खास्ता नहीं हो पाएगा। तो नॉर्मल गर्म में समोसा को डालें, रिफाइंड ऑयल होना चाहिए, रिफाइंड तेल। तो ये रहा मेरा समोसा जो कि मैं इसमें डाल रहा हूँ और मैंने डाल दिया। अब धीरे धीरे करना क्या है, फ्लेम को हाई करना है और समोसा को बनाना शुरू कर देना है। लगभग 10 से 15 मिनट तक समोसा को बॉयल करना है। तो ये रहा मेरा समोसा, अब कुछ ही समय में मेरा समोसा बन कर जो है तैयार हो जाएगा। तो अगला वीडियो में मैं बताऊंगा कि समोसा का चटनी किस प्रकार से बनाया जाता है और चटनी ऐसा बनाऊंगा ना चटपटी सी, इमली वाली बनाऊंगा, पुदीना वाली चटनी बनाऊंगा, बहुत सारा चटनी जो है समोसा के साथ खाया जाता है। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और न्यू इसलिए करें कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके मोबाइल में जाएगा। तो ये रहा मेरा समोसा जो है, लगभग 10 से 12 मिनट हो गया है और समोसा थोड़ा थोड़ा लाल भी दिखने लगा है, मेरा मतलब हुआ समोसा सीज गया है। तो ये देखिए मैं समोसा को निकाल देता हूँ अपने परात पर, ये देखिए। तो मैं समोसा को बनाने में सफल रहा, कैसा लगा आपको वीडियो, अगर अच्छा लगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपका ये बनाया हुआ बताया हुआ तरीका बहुत ही सिंपल और सरल तरीका है। अगर
समझ नहीं आया हो तो फिर से कमेंट कीजिए, तो अगला वीडियो फिर से अपलोड कर देंगे। तो ये रहा मेरा समोसा बनाने का तरीका, बिल्कुल सही और सिंपल तरीका था जो कि। तो ये रहा समोसा, मैंने बना लिया। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबा दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए बस यही तक, थैंक यू।